हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नाइट रूटीन अपना, कि रात में मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ। और 1 वीक में तो इसे हर किसी को करना चाहिए, ज़रूरी भी है, क्योंकि आजकल बहुत भाग दौड़ रहता है, सब बहुत काम रहता है घर बाहर जो लोग करते हैं। जैसे कि मैं बाहर भी जाती हूँ, बाहर भी वर्क करती हूँ और घर में भी पूरा काम होता है, तो इस दिन पे तो उसका असर आएगा ही। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी आप लोगों को जैतून का तेल, और जैतून का तेल मैंने ले लिया है। और आप लोग के पास जैतून का तेल है या नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लोग बादाम का तेल भी ले सकते हैं यहाँ पे। और कुछ भी नहीं है तो आप जो मॉइस्चराइजर क्रीम ठंडी में, जैसे कोल्ड क्रीम हम लोग लगाते हैं, वही ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं आप लगाना चाहते हैं तो आप नारियल का तेल ही सिंपल ले लीजिए, उसी से आप लोग ऐसे मसाज कर लीजिए कम से कम 5 मिनट तक। इससे हमारी स्किन की जो भी डलनेस होती है, गंदगी होती है, वो दूर होगी। और सप्ताह में एक बार तो हमें भाप भी लेना चाहिए, और वैसे भी मेरे लिए भाप लेना तो सही है, क्योंकि मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो एलर्जी की प्रॉब्लम है तो मैं तो डेली भाप लेती हूँ। बट यहाँ पर मैं जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए बता रही थी कि ऐसे तेल से मालिश करने के बाद भाप लेना चाहिए, कम से कम 2-3 मिनट तो लेना ही चाहिए। मैं 5 मिनट लेती हूँ क्योंकि मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं ज़्यादा भाप लेती हूँ। और सप्ताह में एक बार तो ज़रूर ही लेना चाहिए भाप सभी को। तो ऐसे स्किन में जो कुछ गंदगी है साफ भी हो जाएगा, और डलनेस हमारा दूर होता है, स्किन में साइन आती है। बिग बॉस 60 के विनर हैं तेजस्वी जी, और एक इंटरव्यू में उन्होंने भी बताया था, उन्होंने पूरा फेसियल बताया था ऐसे ही, और जैतून के तेल से ही पूरा फेसियल वो करती हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक इंटरव्यू में बताया था कि वो भी ऐसे ही स्किन का अपने केयर करती हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट भाप लिया, उसके बाद एक सूती कपड़े से मैं ऐसे दबा दबा के स्किन को साफ़ कर लूँगी। अगर आप लोग यहाँ पर चाहें तो फेस पैक भी लगा सकते हैं, बट मुझे भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं फेस पैक नहीं लगाऊंगी। और इसके बाद मैं एलोवेरा जेल लगा लूंगी सोते वक्त। तो अभी तो तुरंत एलोवेरा जेल भी मैं नहीं लगा रही हूँ, अभी मैं कर रही हूँ अपने बालों पे सीरम। दिखा रही थी मैं आप लोगों को, एक कोई सा भी अच्छा सा सीरम आप लोग ले सकते हैं। जो सीरम मैं यूज़ कर रही हूँ मेडिकेटेड सीरम है, तो बाल में बहुत ज़्यादा फंगल हो गए थे, जैसे कि रूसी डैंड्रफ हो गए थे, तो उसी के लिए, और बाल बहुत ज़्यादा झड़ते रहते हैं मेरे, तो इसलिए मेरे क्या सबको सबके ही बाल ऐसे ही झड़ते रहते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ज़्यादा ठंडी हो, बस बहाना चाहिए बालों को टूटने का, तो बाल ऐसे ही सबके टूटते रहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक सीरम ले लिया है। आप लोग कोई भी ब्रांड का, किसी भी अच्छे से ब्रांड का सीरम ले लीजिए, और डेली के डेली एक बार तो रात में ज़रूर सीरम लगा के सोए बालों में कंघी करके। और मेरी वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दें। डेली हम लोग सीरम नहीं लगा सकते, तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो ज़रूर हमें सीरम का यूज करना चाहिए अपने बालों के लिए, बालों की देखभाल के लिए। अगर आप सीरम नहीं लगाना चाहते तो आप ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं, कोई भी।